सो इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है? यस सर। परफेक्ट। सो हम लोगों ने यहाँ गुड इवनिंग रिया। वेरी गुड इवनिंग सर। कैसी हैं आप? ठीक है सर, और आप? मैं भी बढ़िया हूँ, थैंक यू। वेलकम सर। सो वी ऑलरेडी फिनिश्ड दिस पार्ट, ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर। आज हम लोग बात करने वाले थे ड्यूटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद और भी लोग हैं जैसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर है। सो देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। ओके, सो आई विल रीड इट फॉर यू एंड देन वी कैन डिस्कस। विल दैट वर्क? यस नो? यस सर। ओके, सो ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MOEFCC, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स इन द कंट्री। It shall constitute a central monitoring committee under chairmanship of Secretary, Minister of Environment, Forest and Climate Change, comprising officer not below the rank of Joint Secretary or advisor from the following, namely. So, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसमें एक central monitoring committee बनेगी पूरे government of India की तरफ से, और इसमें जो भी लोग रहेंगे वो आपके कम से कम सेक्रेटरी होने चाहिए, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए, या फिर एडवाइज़र हो सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसमें? तो कौन कौन से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें मिनिस्ट्रीज़ हैं आपका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और थ्री स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बाई रोटेशन। सो प्लस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो ऊपर में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और नीचे अगर आप देख रहे हैं नंबर 7 में, तो वहाँ पे बोल रहा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये क्या दोनों एक ही चीज़ है क्या? तो एक ही चीज़ है तो दोनों को एक ही मतलब दोबारा क्यों लिखा है फिर? नीचे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी दोबारा लिख दिया इन लोगों ने, फिर लोकल, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज तो समझ में आता है, टू चांसेस टाउन बाय रोटेशन है, फिक्की है, CII है, एंड टू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो ये 12 अलग अलग लोग हैं, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, 1, 2, 3 जो है वो वापस से रिपीट हो रहा है 6, 7, 8 में, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता पाएंगे क्या मुझे, या फिर ये प्रिंटिंग एरर है कुछ? सर जो फर्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, दिस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड इन 7 पॉइंट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट्स बाय रोटेशन, सो दीज आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ओके ओके, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ऊपर में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, और नीचे जब हम लोग देख रहे हैं 7 और 8 जनरली, तो ये दोनों जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स है उनके लोग हैं, ठीक है, उनके सेक्रेटरी हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, या फिर उनके एडवाइज़र्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ और लिख रहा है, जैसे कि हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 इस चारों में, इन पांचों में देख रहे हैं बाय रोटेशन आ रहा है बार बार, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ?
सर, थ्री स्टेट गवर्नमेंट बारी बारी से उन लोगों का टाइमिंग होता होगा कि वो पहले ये करेंगे, उसके बाद दूसरे और इसके बाद थर्ड, वैसा एक कंटिन्यू साइकिल चलेगा। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर इंडिया में देखें तो करीब 30 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज मिला करके ऊपर हो जाते हैं, मुझे लगता है 35-36 हो जाते हैं सब कुछ मिला के। कितना होता है स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी अगर दोनों मिलाएंगे तो कितना होता है टोटल? एनीवेज जीके पे हम लोग काम नहीं करेंगे। 37 एनीवेज, या 37 ठीक है। सो अगर 37 लोग होंगे तो ये जो टीम होगी, कमेटी होगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि किसी किसी को दो को या किसी में से तीन को ऐसे करके चुन रहे हैं, और फिर एक साल के बाद फिर वो दूसरा आएगा, फिर अगले साल में फिर दूसरा लोग को रोटेशन करके सबको मौका मिलेगा उसमें कमेटी में रहने का। सो दिस इज इट। तो समझ में आ गया लगभग लगभग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ थ्री स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट बाय रोटेशन, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से दो स्टेट से रहेंगे रोटेशन पे, और तीन अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये एक स्टेट में मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे अगर देखेंगे तो पटना एक अलग से यूएलबी है, मुजफ्फरपुर अलग यूएलबी हो जाएगा, और फिर दानापुर देखेंगे तो शायद वो अलग, पटना में ही एक दानापुर है तो उसका शायद अलग है, या फिर वो पटना में आता है, या फिर जितने सारे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें से दो, ठीक है। फिक्की आप लोग जानते हैं, और सीआईआई, दीज आर द टू बॉडीज जो कि जनरली आपका जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो भी होता है तो ये लोग गवर्न करते हैं। फिक्की मेरे ख्याल से होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसा करके है, और सीआईआई है इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एग्जैक्टली, थैंक यू। और उसके बाद 12 नंबर पे है दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, तो जो कि कोई भी हो सकता है, ये आदमी कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ये कोई एनजीओ का बंदा हो सकता है या फिर किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो या फिर किसी भी कंपनी के जो कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है तो वो लोग हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इज इट क्लियर इनफ? और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिल करके एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, ठीक है। यस सी, देखिए मुझे ना आप लोगों का एटलीस्ट यस नो का रिस्पांस मुझे अगर मिलता रहेगा देन आई विल, मुझे लगेगा कि हम मेरी बात भी सुन रहा है। थैंक यू। एनीवेज शैल वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये मॉनिटरिंग कमेटी करेगी क्या? सो दिस सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर to monitor and review the implementation of these rules. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change may co-opt other experts if needed. The committee shall be renewed every 3 years. तो ऊपर में जैसे मैंने बोला आपको कि हर एक साल पे, तो ये हर एक साल पे नहीं, ये 3 साल पे, ठीक है, हर 3 साल पे, जब जो ये रोटेशन वाली जो बात हो रही थी ऊपर, वो हर 3 साल पे रोटेट होकर नए लोग आएंगे, और MOEFCC अगर चाहे तो किसी और एक्सपर्ट को भी इसमें ऐड कर सकता है, और इनका मेजर वर्क यही होगा कि जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना, ठीक है, और देखेंगे और उसके बाद अपना रिपोर्ट भी देंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसी का एक पार्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण, लेकिन ये अलग लेवल पर चलता है। एनीवेज, इज इट क्लियर? परफेक्ट। सो ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सर क्या मैं पढ़ू? ओके ओके, द फर्स्ट वन, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट शैल कोऑर्डिनेट विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टू अर्बन डेवलपमेंट
कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. ए टेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ मेजर्स टेकन बाय द स्टेट एंड लोकल बॉडीज फॉर इम्प्रूविंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल एजेंसीज एट लीस्ट वंस इन अ ईयर एंड गिव एडवाइस ऑन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. इसमें कहता है कि जो भी मेजर्स लिए जाएंगे स्टेट एंड लोकल बॉडीज इस WM प्रैक्टिसेस को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें जो मतलब उसमें कमी आ रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करना है, और एटलीस्ट वन एक साल में एक बार उन्हें रिपोर्ट देनी है ताकि उस पर करेक्टिव मेजर्स लिया जा सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. ओके बाकी लोग कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन, या फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको कुछ और समझ में आ रहा है इसमें, या फिर आप अपने तरफ से कुछ इनपुट देना चाहते हैं? क्लियर है? समझ में आ गई बात आप लोगों को, पॉइंट ए? यस. ओके वी कैन कंटिन्यू विद पॉइंट बी. यस सर. फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी ऑन वेस्ट टू एनर्जी इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल. इसमें कहा गया है कि एक नेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी बनाया जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी, किस तरीके से वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके. इसमें से स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से विद इन 6 months होना चाहिए. तो ये हो चुका है ऑलरेडी. आप लोग को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, पॉलिसी बना है, वेस्ट एनर्जी प्लांट्स बन रहे हैं बहुत सारे इंडिया में, पता है आप लोगों को? कभी अखबार में सुना है, पटना में भी कभी अखबार में पढ़ा है आपने कि कचरा को जला करके बिजली बनाया जाएगा? यूजर असद तेलंगाना में है. तेलंगाना में वो लोग प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर. तो ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है, और ये पॉलिसी बनने से पहले भी हुआ था, कुछ दिल्ली में भी बने हुए हैं, चेन्नई में भी बना हुआ है, लेकिन इंडिया में इसके साथ कुछ इश्यूज है. वेस्ट एनर्जी प्लांट जो है उसके साथ इशूज है. इशू ये है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट का जो कॉम्पोजिशन है उसमें वेट वेस्ट ज़्यादा होता है, और ड्राई वेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है. कैलोरीफिक वैल्यू पता है आप लोगों को? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय, कितना हीट वो प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है तो उसमें पानी भी होता है, और कभी कभी हम लोग उसमें धूल भी डालते हैं, तो धूल तो जलेगा नहीं, तो लेकिन वो सब चीज़ क्या होता है कि जो वेस्ट को जलाते हैं तो जलने में वो मतलब कि बाधा पैदा करता है, ठीक है. तो उसके कारण से उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, हीट जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जितना इफ़िशेंटली उस सिस्टम को काम करना चाहिए था वो इफ़िशेंटली उतना काम नहीं कर पाता है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिस्टम बना हुआ है वो इनएफिशिएंट हो जाता है. तो जब वेस्ट एनर्जी की बात हम लोग करते हैं तो ये भी हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट अगर उसमें जाए, उसमें धूल ना जाए, ऑर्गेनिक वेस्ट ना जाए, पत्थर नहीं जाए, ईंट नहीं जाए, तो शायद वो जलेगा तो बेटर यू नो कैलोरीफिक वैल्यू जनरेट करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगा. लेकिन वो हीट वो जल भी रहा है, और वो जैसे अगर मान लीजिए स्टीम इंजन को ही चलाना है, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होता है वो जनरली, तो अगर उसको चलाना भी है तो वो प्रोपेल नहीं कर पाता है अच्छे से, और अच्छे से प्रोपेल नहीं करेगा तो रोटर घूमेगा नहीं, और रोटर नहीं घूमेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगा नहीं. तो ये एक दिक्कत है. एनीवेज
इज इट क्लियर? सर सर इससे जो एनर्जी बनता होगा तो क्या वो क्लीन फ्यूल मान सकते हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो प्रोसेस जो बनता है वेस्ट टू एनर्जी में? हाँ तो हाँ, इसको क्लीन एनर्जी तो कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो चिमनीज होती हैं और ये हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है जनरली, तो इसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो उसको फिल्टर आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो जो लोग अभी इंडिया में जितने बने हैं, करीब मेरे ख्याल से 27-28 बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, और इसके ऊपर कुछ लोगों ने रिसर्च किया था, और इसके ऊपर कि कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर डेटा इन लोगों ने फिगर आउट किया था। तो उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, कि जैसे हम लोग पेंसिल बैटरीज भी डाल देते हैं वेस्ट में, तो वो भी जलता है। और जो कंपनीज होती हैं वो अपना जो फिल्टर होता है वो समय समय पर बदलना होता है उनको, ठीक है? तो वो पैसा बचाने के चक्कर में वो लोग करते नहीं हैं। तो इसको एक्चुअली ये अगर सही सिस्टम तरीके से काम करे तो इट इज़ ए क्लीन फ्यूल, ठीक है? लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हर लोग प्रॉफिट कमाना चाहता है और काम जैसे तैसे करना चाहते हैं, तो उस कारण से ये क्लीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी 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 डर्टी काइंड ऑफ प्रोसेस, जिससे कि क्लीन एनर्जी तो नहीं कहेंगे, इसको डर्टी एनर्जी कह सकते हैं। अगर साइंटिफिकली अगर जब लोग बुकिश नॉलेज से जाएंगे तो इट इज़ ए क्लीन एनर्जी, लेकिन जो एक्चुअली हो रहा है, प्रैक्टिकली जिस चीज़ को हो रहा है उसके ऊपर से अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है। दिल्ली में एक है तीमापुर, इसको तीमापुर करके एक है प्लांट, जिसको जिंदल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यस सर, वो बहुत बड़ी कंपनी है टाटा और मित्तल के बाद, जिंदल एक है जो कि स्टील का और बहुत सारा काम करती है, तो उनका था। और उसको फिर एनजीटी ने बंद करवा दिया था, 3 साल वो चला था 2011 से 13 के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके ऊपर ये किया, फिर बताया कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उसको फिर एनजीटी ने फिर फाइनली बंद करवाया। फिर उसके बाद फिर दोबारा शायद चालू हुआ है, तो ये है स्टेटस। तो आई वुड नॉट से इट माई सेल्फ कि ये क्लीन है या फिर डर्टी है, मेरे हिसाब से तो डर्टी है, लेकिन आई वुड नॉट ट्राई टू इम्फोर्स इट ऑन यू। यू आर फ्री टू चूज फ्रॉम द नॉलेज यू गेट। सर जो दोबारा स्टार्ट हुआ होगा तो या तो उन्हें परमिशन लिए होंगे हाँ, परमिशन भी लिया होगा, फाइन भी पे किया है हम लोगों ने। और इसके बाद से उन्होंने शायद कुछ ऐसा तो फिर मतलब पोल्यूशन कम हो सके ऐसा कुछ वहां पे इक्विपमेंट लगाए होंगे तो शायद हाँ परमिशन मिला हो। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली होता है क्या ना कि चिमनी में ही, चिमनी जो होता है ना जिसके अंदर जिसके ऊपर से धुआं निकलता है, ठीक है, उसी में फिल्टर्स लगाए जाते हैं अलग अलग हाइट के ऊपर, और यस सर, उसका भी एक पर्टिकुलर हाइट होता है कि उससे उससे उसका कम हाइट नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। यस सर, लेकिन जो भी सर वो पोल्यूशन फिर वहाँ चिमनी में लगाए जाते हैं वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं सर। और ऐसा मतलब जहाँ तक पढ़े हैं हमें पढ़ाया गया था एयर पोल्यूशन में, और जो सबसे लोवेस्ट होते हैं वो 50% ही मतलब कि क्लीन एयर बाहर जाता है। एग्जैक्टली। और इंडिया में मैक्सिमम लोग चिपेस्ट वाला ही लगाते हैं, एक चीज और सबसे ज्यादा वाला भी महंगा लगाएंगे तो भी उसका एफिशिएंसी 95-99% ही होता है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एग्जैक्टली। तो इसमें एक चीज़ और होता है ना कि जब चिमनी के ऊपर में ही इन लोगों का ना एक सेंसर भी लगा होता है कि कौन कौन से गैस उसमें से गैसेस निकल रहे हैं। जैसे हम यस लोग सर, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए बहुत जगह पटना में भी लगा हुआ है और बहुत सारे अलग अलग शहरों में भी अब लगना शुरू हो गया है। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ तारामंडल के पास लगा हुआ एक है, ठीक है, जो कि बताता है कि कितना पॉल्यूटेंट्स है अभी। तो ऐसे सेंसर्स उस चिमनी के ऊपर भी लगा होता है, और हर आधे घंटे पर वो सेंसर जो है वो सेंस करता है, और वो डेटा डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर को देता है। और ये डेटा जनरली ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, लेकिन लिंक मेरे पास नहीं है, तो वो जनरली वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे वो सारा मॉनिटरिंग डेटा अवेलेबल होता है, जितनी भी चिमनीज हैं, ठीक है, और ये
हाई एंड चिमनीज जो भी जहाँ जहाँ लगाने हैं, तो उनके ऊपर ये नियम है कि आप वो सेंसर लगाइए और उसको इंटरनेट से कनेक्टेड रखिए, और वो डायरेक्टली वो हर आधे घंटे एक घंटे के ऊपर वो सेंस करेगा, और सेंस करके डेटा डायरेक्ट फीड करेगा ऑटोमेटिकली। और अगर कुछ गड़बड़ होता है ताकि, तो फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर, जो स्टेट का है या फिर जिस डिवीज़न का है, जिस एरिया का है, उनको बताए, फिर वो लोग जा करके वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, या फिर उनको बता सकते हैं कि आप इसका चिमनी चेंज कीजिए, या फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, या फिर आप अपनी फैक्ट्री बंद कीजिए, या फिर जो भी सिस्टम है उसको बंद कीजिए। तो ऐसा सिस्टम भी है, लेकिन इसके ऊपर भी, लेकिन जितने नियम बनते हैं लोग उसके ऊपर उतना ही अपना उससे कैसे बचना है उसका भी लोग अपना इलाज ढूंढ लेते हैं ना। तो ये भी यस और सर फिल्टर में भी होता है कि उसमें दो रहता है, PM 2.5 और PM 10, लेकिन लागू ही नहीं होता, लोग लगाते नहीं है। नहीं, लगाने के लिए तो हो गया है, अब अधिकतर जगह लग गया है, क्योंकि अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके ऊपर, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गाज गिरी है। और ख़ास करके जब ये 2015 में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुआ था, कॉप पेरिस एग्रीमेंट, आप लोग को पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पता है किसी को? यस, पेरिस एग्रीमेंट तो पता है, लेकिन उसके बारे में उतना डिटेल नहीं, शायद कुछ क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के बारे में उसमें डिस्कशन होता है। हाँ, तो उसी मीटिंग में हुआ था, तो इसमें बहुत, तो उसमें उसके बाद से इंडिया ने भी उसको साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें बोला गया था कि आप बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या फिर पॉल्यूटेंट्स हैं उसको एटमोसफेयर में आप लोग नहीं निकालेंगे, निकालने से रोकने के लिए कुछ कुछ करेंगे, और अगर उसके ऊपर करेंगे तभी, जैसे कि एक चीज़ और होती है ना बात, कि जब ये पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला कि हम तो अभी फैला रहे हैं, लेकिन आपने हमसे ज़्यादा, हमसे पहले फैला लिया है, और तो हमें अभी कंफर्ट जोन में क्यों, हम अपने इन लोगों को, अपने पब्लिक को बेटर लाइफ क्यों नहीं दें। तो इस पर बात हुई, फिर इस पर एग्रीमेंट में ये भी है कि ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और फंड भी देंगे। तो उसके एवज पे ये भी था कि क्या क्या चीज़ें आप करेंगे तो आपको किस तरीके से फंडिंग होगी। तो इसमें इंडिया ने भी बहुत कुछ काम किया है, ऐसा तो रिपोर्ट लास्ट ईयर वाला मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, तो उसमें तो इंडिया ने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन वो पेपर पे है 70% और 30% ग्राउंड वर्क है, तो वो भी एक बात है। यही होता। एनीवेज, शैल वी मूव फर्दर ऑन दिस डी promote research and development in solid waste management sector and disseminate information to states and local bodies. Solid waste management में उसमें research field को भी promote किया गया है, ताकि नए नए innovation और तरीके पता चल सके minimize करने के लिए, और इसमें जो भी information है वो state and local bodies को दिया जाएगा। कौन करेगा ये सब कुछ, ये promote कौन करेगा research and development को? Ministry of Urban Development. Exactly. Clear है? Yes, sir. Okay. Next. Sir, ऐसा कहीं है क्या वो research institution, especially solid waste management पर? ऐसा exactly research institute तो किसी ने नहीं बनाया है अभी तक। लेकिन लोग अपने लेवल पे और कुछ कुछ लोग रिसर्च इस पे कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरा मतलब कहने का, जैसे कि सेंटर बनाया जाता है अलग अलग चीजों पे, टॉपिक सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए, तो मेरा मतलब वो था। हाँ भाई, मैं समझ बोल रहा हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से या फिर मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन लोग जैसे जनरली खुद से रिसर्च करते हैं, या फिर किसी को, जैसे कि अगर जैसे पटना में IIT पटना है,
तो वहाँ पे दो प्रोफेसर हैं जो कि सोशल स्टडीज़ के हैं, तो वो लोग वेस्ट के ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। तो अभी उनके साथ मिलकर के कुछ काम भी किया था, रिसर्च कोविड वेस्ट के ऊपर उन लोगों ने अपना एक रिसर्च पेपर भी निकाला था। तो इंडिविजुअली जनरली लोग कर रहे हैं, या फिर जैसे ये प्रोफेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये लोग को फंडिंग भी होती है, तो वो लोग रिसर्च खुद से करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रहा है, लेकिन डेडिकेटेड ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से अभी तक इंडिया में नहीं है। यस सर, सो मोस्टली आई 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 टी से उनको समथिंग। मिलता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट। सर आनंद कुछ कहना चाह रहा था। आनंद बोलिए। सो एक्चुअली ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जनरली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करती हैं, और जो लोग इंटरेस्ट होते हैं वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं। जैसे नीरी है, वो लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं इन हैदराबाद, एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं। एक दो दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी ऐसा प्रोजेक्ट के लिए ऑफर दिया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। और वही है, इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और कोई इंस्टीट्यूट भी है तो वो भी काम कर रही है। लेकिन जैसा कि अभी एक सवाल जो था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप से कुछ है क्या, तो नहीं, डेडिकेटेड, ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। यस अब इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड मेन रिसर्च है वो सीएसआईआर नीरी करती है, जो कि नागपुर में है। अगर आप उनका वेबसाइट देखें तो उसपे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो वो लोग कैरी कर रहे हैं, फ्रॉम एयर वाटर टू सॉलिड वेस्ट एवरीथिंग। सीएसई भी एक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नाम सुना है आप लोगों ने उसका? यस यस सर, यस। यस सर। हाँ, तो उन लोगों ने भी बहुत रिसर्च किया है। उसमें एक थी क्या ना, स्वाति सांब्याल थी, शी इज़ अ रिसर्चर, एंड फिर उन्होंने इंडिया में भी काम किया है और फिर अफ्रीकन कंट्रीज में भी उन्होंने वेस्ट की पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और आई थिंक शी इज़ राइट नाउ वो अभी यूएन के किसी बॉडी में है, अभी भी उस पर वेस्ट पे ही वो काम कर रही है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वेस्ट के ऊपर काम कर रही हैं, और अगर आप चाहते हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप फेलोशिप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उनके साथ मिलकर के, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, कैन यस वी गो यस टू, सर। या सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? अंडरटेक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। लोकल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर जो भी हैं काम करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग, उनका और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जाएगा। करना करना है, सही बात है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं हाँ कीजिएगा लोकल बॉडीज को, तो फिर उनको कैसे पता रहेगा कि उनको क्या करना है, कैसे करना है? यस सर, और हेल्थ प्रिकॉशन बहुत कुछ है उसमें, तो वो अपना ध्यान भी रख पाएंगे। तो ऐसा ही मैं अभी कुछ दिन पहले लास्ट लास्ट मीटिंग में एक डिस्कशन में मैं बता रहा था कि बिहार में भी एक, जैसे अभी तक तो हम लोग अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, विलेजेस में भी अब सॉलिड वेस्ट के ऊपर काम होना शुरू हो गया है। तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं या फिर आशा वर्कर हैं, ठीक है, तो इन सब की भी ट्रेनिंग होनी है। तो इनको भी वेस्ट के ऊपर ट्रेनिंग देना है। वेस्ट के ऊपर ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वेस्ट को कितना कैसे मैनेज करना है या फिर वेस्ट से क्या प्रोटेक्शन। वेस्ट में अगर आप, तो क्योंकि सबसे पहले तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मेरा? अगर मुझे गाड़ियाँ चाहिए तो कितनी गाड़ियाँ चाहिए?
अगर लोग हायर कर रहे हैं तो कितने लोग हायर कर रहे हैं, कौन आदमी क्या काम करेगा, तो इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेनिंग के लिए भी हम एक नीरज करके हैं, सो ही इज़ लुकिंग इन टू इट, वो भी शायद एन कॉलेज से पास आउट हुआ था। यस सर। हाँ, तो वो इसके ऊपर कुछ काम करने के लिए सोच रहा है। सो लेटली अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो होपफुली आई कैन गेट इन टच विथ, मतलब कि आप लोगों को नीरज से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, फिर आप लोग उसके साथ मिल करके उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये होगा कि हम लोग खुद इक्विप हो जाए ताकि हम दूसरे को ट्रेन कर पाए। है ना? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, प्रोवाइड टेक्निकल गाइडलाइंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड लोकल बॉडीज ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट मीटिंग टाइमलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें मुझे लगता है कि सर जो भी लोकल बॉडीज है, सो इसमें टेक्निकल गाइडलाइंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस टू स्टेट करना है, तो ये करेगा कौन, म्यूनिसिपैलिटी या फिर एसपीसीबी या फिर सीपीसीबी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है वो अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर कोई अर्बन लोकल बॉडी को प्रोजेक्ट बनाता है कि भाई हम डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करेंगे, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है उसका कंपोस्टिंग करेंगे, या फिर रिसाइकलेबल वेस्ट को हम लोग रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में भेजेंगे, या फिर प्लास्टिक को ही हम कुछ तरीके से रिसाइकिल करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट करेगी, और इसके लिए अगर टेक्निकल गाइडलाइंस की भी ज़रूरत होगी तो फिर वो लोग भी वो सारे गाइडलाइंस भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे कि आप प्रोजेक्ट में अगर आपको कंपोस्टिंग करना है तो कंपोस्टिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बायोगैस निकालना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उसमें क्या क्या टेक्निकलिटी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो ये सब कुछ पार्ट हो बताया जाएगा। सारा गाइडलाइंस अवेलेबल है, वैसे भी इन सारे मिनिस्ट्रीज के इस इन सब चीज़ों पर टेक्निकल गाइडलाइंस ऑलरेडी PDFs अवेलेबल हैं उनके वेबसाइट्स पे। और ये किनको मिलेगा? ये लोकल बॉडीज़ को मिलेगा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ही वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर सकती हैं और करती भी हैं, और उन्हीं की ज्यूरिडिक्शन में आता भी है। तो शहरों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गांवों के लिए ग्राम पंचायत, और उनके साथ क्या बोल रहा है कि उनके साथ मीटिंग्स भी करेंगे। मीटिंग्स, यस। ठीक है, और बता कि टाइमलाइंस रहेगा कि हाँ भाई इतने आपने प्रोजेक्ट किया तो फिर आपको कैसे ये हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम अगर, और क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो कंपोस्ट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कंपोस्ट बना दिया और वो कंपोस्ट आपका बढ़िया नहीं बना तो वो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी, किसान को या फिर कोई भी आदमी जो कंपोस्ट खरीद करके खेती करना चाहता है या फिर बागवानी करना चाहता है, और कंपोस्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो नहीं लेगा, तो फिर आपका सारा मेहनत भी बर्बाद होगा। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को भी बताएंगे वो लोग। ओके, यस सर। जी देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि देख, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही सच है या फिर वही सही है। ठीक है, आप लोग भी इसमें अगर कुछ आप लोग को लगता है तो वो प्लीज़ ऐड करते जाइएगा। हो सकता है मैं कोई एक पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ या फिर छूट जाता होगा मुझसे, और लेकिन आपके नज़र में आ जाता है तो प्लीज़ उसको आप लोग कवर अप करने की कोशिश कीजिए ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, डोंट, ऐसा मत सोचिए कि मैं सीनियर हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप लोग जो बोलेंगे, आप जूनियर हैं तो आप जो बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ग्रेट। सो हम लोग ये 7 कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अभी हमारे पास है 10 मिनट टाइम। यस सर, टाइम है। ड्यूटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म सेल प्रोवाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑन सिटी कंपोस्ट।
जो डिपार्टमेंट है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की, वो एक मार्केट प्रोवाइड करेगी जो भी सिटी कंपोस्ट बनाएंगे उनके लिए। अगर शहरों में अगर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा है तो उसका कंपोस्ट अगर तैयार हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट का, तो उसके लिए मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। ये मार्केट कौन प्रोवाइड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ, ये दोनों मिल करके। यस, ठीक है। इंश्योर प्रमोशन ऑफ को मार्केटिंग ऑफ कंपोस्ट विद केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द रेशियो ऑफ 3-4 bags, 3-4 bags रेशियो टू 6-7 bags बाय द फर्टिलाइजर कंपनीज टू द एक्सटेंट कंपोस्ट इज मेड अवेलेबल फॉर मार्केटिंग टू द कंपनीज। हाँ, क्या मतलब उनका? हाँ, और जो भी मार्केटिंग या फिर कंपोस्ट बना रहे हैं तो उनके मार्केट को, शॉप को या फिर प्रमोट कैसे कर, प्रमोट भी इंश्योर करेगा, और उसको एक रेस, जो भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बना उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो 3-4 bags टू रेशियो 6-7 bags ही रहे, और उसमें भी मतलब क्या क्या कितना तक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होगा वो भी उसका भी एक रेशियो रहेगा। सर आप समझा दें। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा। और कोई कुछ इसमें लग रहा है आपको, क्या बता सकते हैं आप? यस सर, प्लीज गो अहेड। सो मतलब ये जो प्रमोशन होगा, ये जो मार्केट डेवलप होगा, मतलब जो भी मार्केट प्रोवाइड करेगा, ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो ये जो मार्केटिंग के लिए प्रमोशन का जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसमें ये होगा कि अगर वो 6-7 bags केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो 3-4 bags जो हमारा कंपोस्ट है उसके फर्टिलाइजर्स को भी वो प्रमोट करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये इन कंपनी जो भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं या फिर जो शॉप्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें बिकती हैं, तो उनको इन्फोर्स किया जाएगा कि अगर आप 6 bag या 7 bag अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो साथ में आपको 3 या 4 bag कंपोस्ट भी लेना होगा या फिर बेचना होगा, इस तरीके से। तो कंपोस्ट भी बिक जाएगा, और अभी बिकेगा तभी तो इसके लिए मार्केट बनेगा, और मार्केट बनेगा तभी तो लोग इसको बनाना शुरू करेंगे, और जो बनाएंगे उनकी भी लाइवलीहुड इस पर चल पाएगी, है ना? Yes. एग्जैक्टली, यही था। सो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं क्या, ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? कर सकते हैं। ओके, ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन फर्टिलाइजर control order for manufacturing and sale of compost. Ministry of Agriculture ये जो है flexibility provide करेगी fertilizer, उसमें से जो compost बना रहे हैं उसमें से कितना fertilizer use किया जा रहा है उसे बनाने के लिए, और वो sale of compost, और उस compost को sell करने में वो एक wide flexibility provide करेगी। वही ऊपर वाला जो point था ना, जो ratio वाला था, वही yes. चीज़ इसमें भी आ रहा है। ठीक है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर एक सिस्टम है जहाँ पे आप कितना फर्टिलाइज़र आप मार्केट में पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए है। और ये सब किसके अंदर में आ रहा है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग तो आपका आ गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में, लेकिन जो यूटिलाइजेशन की बात आ रही है तो उसमें कौन सा डिपार्टमेंट आ जा रहा है? आपका एग्रीकल्चर। तो वो फर्टिलाइज़र को कैसे कंपोस्ट को कैसे वो पुश इन करेगा अपने सेल्स के लिए, तो वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ को या फिर जो फर्टिलाइज़र कंपनीज है उनको, ताकि उसको भी मौका मिले और जो कंपोस्ट बन रहा है ये भी मार्केट में धीरे धीरे पुश हो सके। ठीक है, और इसमें ये भी शुरू में दिया जा रहा है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में, एक चीज़ और भी आता है कि इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी शुरू में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाए, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं किया जाए कंपोस्ट के लिए।
कि भाई इतना क्वालिटी है तभी इसको हम लोग बेच सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए 7 out of 10 चाहिए, तो अगर वो 6 भी आ रहा है तो हम लोग उसको मार्केट में शुरू में पुश करें, ताकि जो इसके ऊपर काम कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन शुरू में मिले। और धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते लोग परफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा मानना है। तो इसीलिए शुरू में उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात हो रही है। ओके ओके सर। यस सर। प्रोपगेट यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोस्ट ऑन फार्मलैंड। जो कंपोस्ट बनना है वो एग्रीकल्चर एरिया में या फिर जो भी फार्मलैंड है जहाँ पे फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे भी उस कंपोस्ट को यूटिलाइज करना है। हाँ, उसके लिए फार्मर्स को उसके बारे में बताना है कि इसकी गुणवत्ता के बारे में बताना है, उसकी क्वालिटी, उसको बताना है कि इससे आपका फ़ायदा होगा, इससे आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र लेने जाएंगे तो वो महंगा होगा, कंपोस्ट लेंगे तो थोड़ा सस्ता होगा, तो उसके बारे में भी लोगों को बताना है, प्रोपगेट करना है आइडिया को, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोस्ट के बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। सेटअप लैबोरेटरीज टू टेस्ट क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लोकल अथॉरिटीज और देयर ऑथराइज्ड एजेंसी। क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए एक लैबोरेटरी सेटअप होगा और वो जो क्वालिटी कंपोस्ट प्रोड्यूस होगा वो लोग, ये सारे के सारे काम लोकल अथॉरिटीज और ऑथराइज्ड एजेंसियां करेंगी। हाँ, तो अगर ये वेस्ट किसका है, वेस्ट जो जनरेट हुआ वो किसका था, हमारा आपका? यस सर। कलेक्शन हो गया, कलेक्शन होने के बाद किसका हो गया वो वेस्ट, लोकल बॉडीज का? लोकल बॉडीज, यस सर, लोकल बॉडी का हो गया, या फिर लोकल बॉडी ने जिस एजेंसी को ऑथराइज किया है कलेक्शन करने के लिए और कलेक्शन करने के बाद उसको मैनेज करने के लिए, उनका हो गया। सो ऑथराइज एजेंसी कौन होती हैं, जो कि उसको मैनेज कर रही हैं या फिर उसका उसको रिसाइकलिंग कर रही हैं या फिर उसका कंपोस्ट बना रही हैं या फिर उसको डंप कर रही हैं। ठीक है, yes. तो ये कोई एनजीओ भी हो सकता है। हाँ, एनजीओ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस उनको लोकल बॉडी के साथ उनका एक टाई अप होना चाहिए कि हाँ भाई, और लोकल बॉडी उनको एक इसके साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और लोकल बॉडी उनको बोलना चाहिए कि हाँ भाई, इनको हम जानते हैं और इनको इस एरिया में हम लोगों ने कचरा उठाने के लिए या फिर कचरा का कंपोस्ट बनाने के लिए या फिर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए या फिर मेटल को रिसाइकिल करने के लिए इनको हम ऑथराइज कर रहे हैं। इस तरीके का रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, वो हम लोग नीचे देखेंगे। इसमें नीचे में वो उन सब चीज़ों के लिए फॉर्म दिया हुआ है, अवेलेबल है इसी ये में। अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में देखिएगा ना, 10-20 पेज, उस पर अलग अलग तरीके के फॉर्म हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। यस सर। इशू सुटेबल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट एंड रेशियो ऑफ यूज ऑफ कंपोस्ट व्हाइल अवेज केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हाइल अप्लाइंग कंपोस्ट टू फार्मलैंड। केमिकल्स जो कंपोस्ट बनाएंगे उसमें केमिकल्स कितना यूज होगा और उसका क्वालिटी क्या होगा, उसके लिए एक गाइडलाइंस तैयार किया जाएगा। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी कंपोस्ट है वो अप्लाई होंगे फार्मलैंड पर। कितना रेशियो होना चाहिए, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर और कंपोस्ट दोनों मिला करके अपने खेत में डालना चाहते हैं तो बताना होगा ना किसान को कि आप 5 किलो कंपोस्ट मिला डालिए और 2 किलो केमिकल फर्टिलाइजर मिला करके आप डाल सकते हैं, या फिर वो कितना होना चाहिए, 2 किलो, 1 किलो होना चाहिए, 5 किलो, 6 किलो होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है इनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो उसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगी और इनके ताकि वो किसानों तक वो बात जाके पहुँच सके। सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे होगा कि नहीं, जो भी गाइडलाइंस है? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, जाके चेक कीजिए। यस। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर टुडे। वी डिड अप टू 8 and 9, 10 हम लोग फिर परसों वाली मीटिंग में करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि पहला वाला जो हमने अपना जो एक नोट लिखने के लिए बोला था आप लोगों को,
आप लोगों में से कितने लोगों ने लिखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मिला तो मुझे किसी का नहीं है। या फिर मौका नहीं मिल पाया आप लोगों को? सर मैंने लिखा है बस थोड़ा सा। ओके, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्या? अभी अभी या कभी भी, या फिर उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए कल तक और फिर शेयर कीजिएगा। और बाकी लोग भी प्लीज कोशिश कीजिए, आनंद, कोमल एंड प्रियांशु, जानवी सर कल इवनिंग तक मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या लास्ट क्लास मैं थोड़ा मिस आउट कर दी थी? आई एम सॉरी श्रद्धा, लास्ट क्लास लाइक आई हैड नेटवर्क इश्यूज सर, तो आई वाज नॉट देयर फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। नोट क्या चीज पे लिखना था आई डिडंट नो। ओके, सो नोट लिए ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया था रोल्स सॉरी ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर्स। तो हम सब लोग तो वेस्ट जनरेटर हैं ही, तो जब हमने अपनी ड्यूटीज जानी तो उसके हिसाब से लिखना था कि इसमें से कौन कौन सी ड्यूटी कितने हद तक हमारे इलाके में हो लोग निभा रहे हैं या फिर नहीं निभा रहे हैं। अगर नहीं निभा रहे हैं तो ठीक है, और अगर निभा रहे हैं तो 100% हो रहा है या फिर 50% हो रहा है, अपना एक जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से लिखना था, एक छोटा सा एक पैराग्राफ उसके ऊपर। ओके सर, तो यही था। तो आप लोग प्लीज उसको कल तक अगर आप लोग लिख करके भेज सकते हैं देन इट विल बी प्रिटी गुड। और आप लोगों में से एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के किसको किसको इंटरेस्ट रहता है आप लोगों में से? यस सर, सिंपी। ओके सर, अभी मेरे माइंड में ये था कि जो अभी आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है जो कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा, तो सर इसके लिए कोई एजेंसी होगी जो उसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेप उठाएगी? इसके लिए एजेंसी, देखिए किसी एक एजेंसी के उठाने से नहीं होने वाला ये सब कुछ, इसके लिए गवर्नमेंट को ही काम करना होगा और हर एक इंसान को काम करना होगा, आपको मुझे या फिर वो कोई इंडस्ट्री हो या फिर एनजीओ हो, सबको मिलकर के काम, पूरी दुनिया मिलकर के काम करेगी तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट मैंने स्टडी किया, ये बाप रे बाप 3300 पेज का रिपोर्ट है और इसके बाद मुझे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू लर्न इसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि शायद दुनिया, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसको पढ़ने के बाद कि 1950 भी 2050 हम लोग देख भी पाएंगे कि या नहीं देख पाएंगे। यस सर, और हमारे तो 12 सिटीज तो पानी के अंदर ही चले जाएंगे। हाँ वो, लेकिन सर आई थिंक 80 साल के बाद दिया हुआ था। देखिए वो दिया हुआ क्या था, वो एक तो प्रोजेक्शन है और इन लोगों ने कुछ रिसर्च, अलग अलग रिसर्च डेटा जो भी होता है वो भी 100% सही नहीं होता है। और ये जो रिपोर्ट आया है ये तो सेकेंडरी रिसर्च डेटा है एक्चुअली करके, ये तो प्राइमरी तो है नहीं। और ऊपर से मुझे एक ये भी चीज़ है कि जो प्राइमरी जिन्होंने रिसर्च किया होगा वो भी कोविड में कहाँ तक घर से निकल पाए होंगे, या फिर उसकी भी एफिशिएंसी मैं 100% नहीं लेता हूँ। तो बात तो बहुत आगे तक निकल चुकी है, खैर वो अलग बात है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वैसे वर्ल्ड, लेकिन हम लोग वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन होते हैं। प्लीज सर, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन बनाए जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे पेरिस कन्वेंशन है, मे बी शायद कुछ वैसा फिर से कुछ बने, गवर्नमेंट एवरी कंट्री का जो स्टेप उठाए। हाँ आप देखिए ना, इंडिया में ही देखिए, हम लोग बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट का, हम लोगों ने लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट था उसमें हमने बोला कि भाई हम लोगों ने जितना कमिट किया था उससे ज़्यादा हमने किया है, लेकिन हर यस सर ठीक है, एक ये रिपोर्ट है और दूसरा एक रिपोर्ट है जिसमें हम लोगों ने पिछले 5 सालों में हजारों एकड़ ज़मीन से जंगल काट दिए हैं। ठीक है, अभी आपका मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले का एक केस चल रहा था जहाँ पे डायमंड निकालने के लिए पूरे जंगल को काटना काटा जा रहा है।
ठीक है, हर जगह अभी इंडिया में बहुत जगह अभी ऐसी जगह है, खास करके हिमालयन रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉर्डर पड़ता है हमारा चाइना से, और ये जो गलवान वैली जो हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर ही हुआ था शायद, है ना? यस सर, हाँ, लास्ट ईयर। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है डेवलपमेंट को लेकर के, और डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ हिमालयन रीजन में, ताकि सही समय पे इनकी गाड़ियाँ जो है, अगर लड़ाई होती है तो तोप या फिर जो भी इक्विपमेंट इनको लेके जाना है बॉर्डर पे, वो लेके जा सके। तो उसके लिए जो पतली पतली सड़कें थी पहाड़ों पे, उनको चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए लाखों पेड़ों को काटा गया है। फिर अभी एक और प्लस, आपके शहर में भी आप लोग जहाँ जहाँ रहते होंगे, या फिर कभी अगर इन बिहार में भी अगर कहीं घूम रहे हों, घूमे होंगे अभी 2-3 साल 4 साल के अंदर में, या फिर 5 साल के अंदर में भी, या फिर उसके पहले भी अगर घूमे होंगे, तो पहले आप अपने सड़कें बहुत पतली हुआ करती थी, दोनों तरफ रोड पेड़ हुआ करते थे, कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत जगह पेड़ हुआ करते थे। लेकिन यस अब सर, उन पेड़ों को काट दिया गया है और सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है। तो ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नितिन गडकरी साहब सोचिए कि पता नहीं क्या, अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था कि हर रोज़ कितने किलोमीटर का रोड वो बना रहे हैं और चौड़ीकरण कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप इतने सड़कों का चौड़ीकरण अगर हर रोज़ हो रहा है, तो उन पे जो पेड़ लगे होंगे पहले से, उन सबको तो काट दिया जा रहा है। तो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मुझे लग रहा है कि हाँ, बहुत। तो ये तो हम लोग एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने 100 साल पुराना जो पेड़ काटा, और इस साल जो आपने 100 सैपलिंग लगाए, एक पेड़ काट करके अगर आपने 100 सैपलिंग भी लगाए होंगे, तो वो क्या बराबरी कर पाएगा क्या? नो सर, वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। तो हाँ, लेकिन ये बात है कि हाँ, अगले 10 साल 20 साल 30 साल में शायद उसमें से 100 में से 10-15 पेड़ बच जाएं, फिर वो बड़े हो जाएं 15-20 साल में, तो वो शायद ठीक है, तब इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये बात मानी जा सकती है। लेकिन वो उसके लिए भी आपको 15-20 साल का समय चाहिए, जब वो पेड़ ग्रो हो जाए, थोड़ा बड़े हो जाए, ठीक है। तो वो समय तो फिर, लेकिन वो 20 साल का समय भी अगर आप देखिएगा तो 2041 हो जाता है, और 2041 तक हम लोग रुकने वाले तो है नहीं, और भी हम लोग पेड़ काटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमें रहने के लिए ज़्यादा घर, ज़्यादा ज़मीन चाहिए, फिर हमें खेती के लिए भी ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे खेती की ज़मीन लाने के लिए? जंगल को ही तो काटेंगे, नदी के ऊपर तो हम लोग खेती कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि पानी रोक देंगे और वहाँ पर खेती कर लेंगे हम लोग, बल्ली का बर्गर कौन बनेगा? जंगल ही बनेगा, शुरू से वही बनता आ रहा है। यस सर, और ऐसा इम्पैक्ट भी देखे सर, वहाँ हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाँ लैंडस्लाइड हुए सर, मतलब वहां से तो लगता है कंटिन्यू हो ही रहा है, लैंडस्लाइड का न्यूज में आते ही रहता है। वहां पे भी सर कोई पेड़ नहीं था, अगर पेड़ होता सर तो मतलब लैंडस्लाइड होने का चांस बहुत कम रहता, या फिर जो भी उसका इम्पैक्ट होता तो बहुत कम होता। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन जो जो लैंडस्लाइड वाला जो मैंने वीडियो देखा है, उसमें बहुत, अगर आप देखेंगे तो वो लैंडस्लाइड पहाड़ों पे कोई ऐसा नहीं है कि वो नई बात है, लेकिन हाँ, सड़कें चौड़ी होने से उस पर इम्पैक्ट होता है। अगर आप उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके कारण से अनस्टेबिलिटी तो आती ही आती है, ये बात भी सही है। लेकिन मोस्टली वहाँ पे पत्थर नहीं थे, सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पे, तो बरसात के सीज़न में लैंडस्लाइड एक कॉमन सी बात होती है पहाड़ों पे, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बारिश से मिट्टी गीली हो जाती है, भारी हो जाता है, वजन उसका हो जाता है, फिर वो धीरे से स्लाइड कर जाता है। और ये कोई लैंडस्लाइड कोई नई बात नहीं है, ये शुरू बहुत सालों से होता आ रहा है। लेकिन और ये भी बात सही नहीं होगी कहना कि पहले कम लैंडस्लाइड होता था, अब ज़्यादा होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हम कह सकते हैं कि पहले हमें पता कम चलता था, और आज हमारे कनेक्टिविटी ऐसी है, डिजिटल डिजिटली भी है और कनेक्टेड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें पता चल जाता है,
कोई किसी ने वीडियो बना करके शेयर कर दिया तो फिर वो न्यूज़ वालों को पता चला तो फिर वो न्यूज़ में फ्लैश होने लगता है। लेकिन पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, पहले अगर लैंडस्लाइड होता था तो महीनों बाद सरकार को पता चलती थी, महीनों के बाद सरकार को पता चलती थी। ये मैं अभी से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी इंटीरियर गांव में। अगर गांव में किसी की तबीयत ख़राब होगी तो उसको पैदल चल के 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, तब जाके उसको बस मिलेगी। फिर क्योंकि सड़क उसके घर से करीब 6-8 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से वो बस लेगा, फिर वहाँ से वो छोटा टाउन में जाएगा, फिर वहाँ पे कुछ होगा, फिर वहाँ बताएगा लोगों को, या फिर तबीयत ख़राब होगा तो फिर वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे। तो अभी भी पहाड़ों पे तो बहुत इशू है, पहाड़ों पे हाँ। लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण से चीज़ें आजकल हम लोग को पहले मतलब कि जब होती है चीज़ें तो उसके थोड़े दिन बाद या फिर उसी दिन पता चल जाता है, क्योंकि सबके पास आज के डेट में फेसबुक अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर व्हाट्सएप है, तो लोग वीडियो और फ़ोन भी अवेलेबल है सबके पास। पहले कैमरास अवेलेबल नहीं थे। जब मेरे ख्याल से जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे स्कूल में पढ़ते होंगे 6-7 में, तो उस समय भी इस तरह के तो स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे वो, और उसमें इतना बढ़िया कैमरा भी नहीं होता था। लेकिन उसके पहले आप सोचिए कि कैमरा लोगों के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के डेट में हर इंसान के पास कैमरा है, तो कैमरा है तो आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो उसके कारण से हमें पता चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो ये बात है, लेकिन लैंडस्लाइड शुरू से होता रहा है और अभी भी होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सा उसमें तेज़ी भी आई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो अनस्टेबल होता है थोड़ा सा, उसके कारण से पहाड़ और चीज़ें होती हैं। एनीवेज, सो एक शिम्पी हैं, एक प्रणय ने जवाब दिया कि आप लोग एनवायरनमेंट में इंटरेस्टेड हैं और आप में से कोई, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस IPCC थिंग लेटली। मैं ओके, और इस बार संडे को तरमुतरा कौन? मी टू सर। ग्रेट ग्रेट, तो इस बार संडे को आई ऑल्सो तरमुतरा कौन कौन आ रहा है? दिस संडे 15 अगस्त। ओके ठीक है, तो अगले संडे को फिर रखते हैं। नेक्स्ट संडे इज रक्षाबंधन। मल्टीपल हाँ फिर मोस्टली एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस आर क्लोज्ड टुमारो। ओपन टुमारो ऑल कॉलेजेस एंड ऑल स्कूल आर ओपन। व्हेन टुमारो? ग्रेट। हाँ सो स्कूल तो खुले मेरा हैं। कॉलेज तो क्लोज्ड है। ओके सो हाउ अबाउट सैटरडे? सैटरडे आप लोग कर पाएंगे? सर नेक्स्ट संडे को, ओके ठीक है, नेक्स्ट संडे को ही रखते हैं। और प्रणय आपके मतलब लिए? इस संडे, हाँ इस बोल। संडे को नहीं था, इसके अगले वाले संडे के, कि अभी तो हम काम ही पर है, तो मैं भी इस संडे को आए हम पटना। ठीक है, तो अगले संडे का हम लोग प्लान रखते हैं सुरमित्रा आने का। एंड अगला संडे है आई थिंक, व्हाट इज द डेट? 22nd, 22nd ऑफ और 22nd ऑफ अगस्त वी वुड बी मीटिंग इन तरुमित्रा। ठीक है, और प्रणय फादर आपको याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि वी कैन स्टार्ट अ ट्रेनिंग ऑन मशरूम। अच्छा तो ग्रुप में एक बार आप एक काम कीजिएगा, सबको बता दिया कि तरुमित्रा में एक हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रो कैसे ग्रो करते हैं उसके लिए, और फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप उनके साथ एक अपना हिसाब से आप टाइम फिक्स कर लीजिए इन लोगों से, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ग्रुप में, बहुत लोग हैं, और करके फिर क्यों मैं भी ग्रुप में रहूँगा ही, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए कि कौन कौन सा दिन आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर शाम में आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, इस बस हिसाब से। ऑफलाइन जो संडे को मिलेंगे ना, नेक्स्ट संडे, तो हाँ इस समय हम बता देंगे सबको, ठीक है मतलब तो ठीक अच्छा है। रहेगा। परफेक्ट। सो आज आप लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स ऑलरेडी 9:14। सो और किसी को कुछ बोलना है?
सर सॉरी सर, एक लास्ट चीज, जो वो दो लड़की का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, मतलब वो लोग गूगल फॉर्म में शायद कुछ मिस्टेक हो गया था, तो फिर से मैंने उन लोग को बोला है, तो वो लोग फिल कर दिए हैं सर। ओके एक दो ठीक है, दो लड़की थी, सबा आफरीन एंड या फिर मुंताहा। ओके ठीक है, मैं देख लूँगा और उनका सर्टिफिकेट में प्रोसेस कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनीथिंग एल्स एनीबडी? सर तुम तरुमित्रा विजिट कर सकता हूँ? कब? इवनिंग में? कल। कल आ सकते हैं आप 10 से 4? यस श्योर सर। ठीक है, ठीक है सर। Okay then, guys, good night. Thank you. Good night, sir. Good night.